नमस्कार मित्रों, सुपरस्टार रजनीकांत जी उत्तर प्रदेश आए थे अपनी फिल्म जेलर के प्रमोशन के लिए, और यहां आकर उन्होंने जो भी किया, अपने आचरण और व्यवहार से जो भी संदेश दिया, एक भारतीय होने के नाते मेरा मन प्रसन्नता से भर गया ये सब देखकर। मित्रों, जब रजनीकांत जी लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने, तो सर्वप्रथम उन्होंने योगी जी के चरण स्पर्श किए। मुझे देखकर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोगों को इससे पीड़ा भी हुई है। उन्होंने आलोचना करनी शुरू कर दी, वो लोग योगी जी और रजनीकांत जी की आयु के अंतर को आधार बनाकर कटाक्ष करने लगे, क्योंकि योगी जी की आयु अभी 50 वर्ष है, तो वहीं रजनीकांत जी की आयु 72 वर्ष है, तो बड़ा छोटे के पैर छू रहा है, ये सारी बातें कहकर वो लोग कटाक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि रजनीकांत जी ने अपने से आयु में छोटे किसी साधारण व्यक्ति के पैर नहीं छुए हैं, बल्कि उन्होंने तो एक संत के, एक सन्यासी के पैर छुए हैं। और भारतीय परंपरा हमें संतों और सन्यासियों का सम्मान करना सिखाती है। आलोचकों को उत्तर देते हुए रजनीकांत जी ने भी स्वयं ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी आदत में शामिल है ये, चाहे सन्यासी हो या योगी, अगर वो मुझसे उम्र में छोटे भी हों तो मेरी आदत है कि मैं उनके पैर छूता ही हूँ। मित्रों, सच में मुझे अति प्रसन्नता है कि रजनीकांत जी जैसे बड़े सुपरस्टार अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने आचरण से आज की युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया है। इसके साथ ही रजनी सर श्री अयोध्या धाम भी गए, जहाँ वो श्री राम जन्मभूमि गए, भगवान रामलला के दर्शन किए, और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आज उनका स्वप्न पूरा हो गया है। मित्रों, रजनीकांत जी न केवल फिल्मों के हीरो हैं, बल्कि वो वास्तविक जीवन के भी हीरो हैं। आज जब भारत के करोड़ों युवा देखेंगे कि इतना बड़ा सुपरस्टार अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है और उनका पालन करने में कोई संकोच नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात आएगी, उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि स्पष्ट रूप से गर्व करते हुए अपनी भारत की संस्कृति का पालन करना चाहिए। वैसे अगर किसी के मन में ये बात आ रही है कि रजनीकांत जी ने ये जो भी किया है, ये अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए किया है, इसके पीछे उनकी कोई भक्ति भावना या श्रद्धा भाव नहीं है, तो उन्हें ये स्मरण रखना चाहिए कि उनकी फिल्म जेलर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। वो पहले ही जितनी कमाई करनी चाहिए उतनी कर चुकी है। उन्हें यहाँ पर इस तरह का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं थी। जिन्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो, वो जेलर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं। मित्रों, आपके क्या विचार हैं इस संपूर्ण विषय पर, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम, जय मां भारती।